सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, एक और इन्फॉर्मेशन आई है। सर, कौन सी इन्फॉर्मेशन आई है? एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बच्चे नाराज थे अपने मार्क्स की वजह से, वो अपने मार्क्स इंक्रीज करवा सकते हैं। अरे बाप रे, ये भी है क्या? हाँ बच्चों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में प्रॉपरली, जैसे पिछली वीडियोस में समझाता था, प्रॉपर ऊपर ऊपर से नहीं, अच्छे से समझ के चलेंगे कि आप अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहना बच्चों, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, सीबीएसई वालों ने सीधी सीधी बात बोली, यार खुश नहीं हो मार्क्स से, आई एम नॉट हैप्पी विद माई रिजल्ट सर, ये सब्जेक्ट में मेरे और आ सकते थे। तो सीबीएसई वालों ने पहली चीज की, भाई इंप्रूवमेंट एग्जाम दे लो। दूसरी चीज, अब नई चीज आ गई है सीबीएसई वालों की तरफ से, न्यू अपडेट, ऑफिशियल अपडेट आया, एक वर्ड लिखा हुआ है, डिस्प्यूट। अरे सर, डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई। बिल्कुल सर, हाँ हाँ, ये वर्ड पढ़ रहे हैं सर, ये डिस्प्यूट का वर्ड पढ़ रहे हैं, बट समझ नहीं आ रहा, कोई अच्छे समझा नहीं रहा। यार शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल वाले समझाएंगे आपको कि इसमें कैसे करके चलना है, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा अपने मार्क्स कैसे आप इंक्रीज करके चलेंगे और उसका क्या तरीका होगा, ठीक है। तो बच्चों, सीबीएसई वालों ने कहा, टाइप वन था हमारा इंप्रूवमेंट एग्जाम्स, जो पार्ट नंबर वन था। सेकंड कहते हैं डिस्प्यूट। मैंने कहा भाई, डिस्प्यूट का मतलब क्या? कहता भाई लड़ाई। कहता भाई, मैं चार तरीके के डिस्प्यूट्स रख रहा हूं, चार टाइप्स में डिस्प्यूट्स को डिवाइड कर रहा हूं। मैंने कहा पता कैसे में कैसे के? कहता है टाइप वन और टाइप टू में, पहला डिस्प्यूट नंबर वन, जिसको हमने टाइप वन एंड टाइप टू दिया है, सर इसको एक ही टाइप दे देते, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये दो टाइप्स में क्यों डिवाइड हुआ, ठीक है। अभी जितना पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ो, ये पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो टाइप वन और टाइप टू डिस्प्यूट में, वो स्टूडेंट्स जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, नहीं मैम ये नहीं आना चाहिए था मेरा रिजल्ट, नहीं मैम इस सब्जेक्ट में मैं ज्यादा डिजर्व करता हूं, तो उनको रखा गया है टाइप वन एंड टाइप टू से। टाइप थ्री के डिस्प्यूट, जो रिजल्ट जिन्होंने आप लोगों का बनाया था ना, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, रिजल्ट कमेटी, उनको ही पता लगे, अरे बाप यार ये तो बच्चे का रिजल्ट मुझसे गलत बन गया। तो टाइप थ्री में आया, रिजल्ट कमेटी से मिस्टेक हो गई है आपके रिजल्ट अपलोडिंग में। और टाइप नंबर फोर, या टाइप नंबर फोर में ना बड़ा टाइम लग जाएगा, और ये मतलब मेरे ख्याल से तो पॉसिबल भी नहीं। टाइप नंबर फोर मतलब जिसको पॉलिसी है, जो पूरी पॉलिसी बनाई थी ना, 40-40-30 जो सीबीएसई के हेडक्वार्टर से पॉलिसी बनाई थी, उसी में ही दिक्कत आ रही है। तो टाइप नंबर फोर में रखा है पॉलिसी से रिलेटेड दिक्कत। बच्चों इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, अभी हम आप अभी की बात कर सकते हैं क्या क्या हो सकता है। तो टाइप वन एंड टाइप टू वाले बच्चे, मेरी बात सुन लो, ऐसा बच्चा जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं है अपने मार्क्स से, आज ही स्कूल चले जाओ और अपने टीचर्स को बोल दो, भैया मैं आता हूं इस वाली कैटेगरी में। वैसे उनको पता होगा, क्योंकि उनको भी पूरी पूरी नॉलेज सीबीएसई वाले देके हटेंगे। तो टाइप वन और टाइप टू में क्या होगा, अगर स्टूडेंट कोई सेटिस्फाइड नहीं है, तो जो रिजल्ट कमेटी है उनका रिजल्ट रिव्यू करेगी। दो चीजें होंगी बच्चों रिव्यू करने में, पहली चीज क्या, या तो रिजल्ट ठीक निकलेगा, वो कहेंगे नहीं 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 ठीक है, उस केस में क्या होगा बच्चों, टाइप वन में रखा गया कि ऐसा बच्चा जो सेटिस्फाइड नहीं है और उनका जब रिव्यू हुआ तो रिजल्ट फाउंड करेक्ट, उनको क्या बोलेंगे, ओके टाटा बाय बाय, एक एप्लीकेशन के दे देंगे कि आपने रिव्यू लिया था बट आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक आया। टाइप नंबर टू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, जिसमें बच्चा खुश हो जाएगा, वाओ मेरे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, रिजल्ट फाउंड इनकरेक्ट, रिजल्ट कमेटी वालों ने देखा, अरे बाप रे ये बच्चा तो सही रिक्वेस्ट लेके आया, क्योंकि टाइप वन और टाइप टू में बच्चा रिक्वेस्ट लेके आया, यार ये तो बिल्कुल सही रिक्वेस्ट लेके आया, भाई ये तो इसका रिजल्ट गलत है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, एक एसआर रेस की जाएगी, सर व्हाट इज दिस, ले लो जनरल नॉलेज, एसआर का मतलब होता है स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रेजोल्यूशन, ये एसआर रेस करके जो रीजनल ऑफिस होता है ना सीबीएसई वालों का, उनको भेजी जाएगी कि यार इसके ना इस सब्जेक्ट में मार्क्स सर गलत हो गए हैं, ये बच्चा सही हमारे पास आया, चलो इसको ठीक कर दीजिए। तो बच्चों वो हमारा प्रोसेस टाइप टू में आके चलेगा। बात करें टाइप थ्री की, कि जो रिजल्ट जो आपके बना रहे हैं उन्हीं से ही गलती होगी, तो बच्चों उस केस में भी एक एसआर रेस की जाएगी और रीजनल ऑफिस को दे दी जाएगी, वो आप आगे चल के आपके मार्क्स बिल्कुल ठीक कर देंगे, ठीक है। और बात करें टाइप फोर की, अरे भाई बहुत लंबा है, इसके लिए मत जाओ, ठीक है ना। टाइप फोर में पहले स्कूल वाले बोलेंगे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन वालों को कि भाई ये पॉलिसी बेकार है, कुछ करो, उसके बाद फिर सीबीएसई के हेडक्वार्टर वाले पूरी प्लानिंग करेंगे, फिर ये हो ही नहीं सकता यार, इतनी मेहनत से उन्होंने पॉलिसी बनाई है, क्या इसको चेंज करवा दोगे तुम? दम है तो करवा लो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो सर अब मुझे ये बता के चलिए कि यार इसकी डेट वगैरह क्या, भाई डेट वेट मैं बता दूंगा, बट आज इस अपने स्कूल दौड़ जाओ, क्योंकि शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल वालों ने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है ताकि आपको इन चीजों का पता लग जाए। क्या पता स्कूल टीचर ना दे, यार मेरी हेडेक बढ़ेगी, स्कूल टीचर को पकड़ लो कि मैडम ये चीज आई है डिस्प्यूट वाला, और मैं सीबीएसई का जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वाला यहां भी डाल दूंगा और लिंक पे भी तुम लोगों को बना रहा होगा। सर एक मेरे को बात बता के चलिए कि इसकी स्टार्ट डेट क्या रहने वाली है बच्चों, टाइप वन की स्टार्ट डेट। वैसे तो मेरे को सीबीएसई वालों को एक चीज बोलनी है कि जब बच्चा स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाइड वाली कैटेगरी में आएगा, उसको क्या पता कि मैं टाइप वन में फॉल करूंगा कि टाइप टू में। तो भैया तुम लोगों ने स्टार्ट डेट और एंड डेट टाइप वन टाइप टू की अलग अलग क्यों रख दी,
छोड़ो यार, ठीक है, थोड़ा बच्चों को समझाया करो ना सीबीएसई वालों, तो अच्छे से सारी चीजें दिया करो, ताकि हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, हम लोगों की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप प्रॉपरली समझा ही नहीं रहे हो बच्चों को, ठीक है ना। तो स्टार्ट डेट टाइप वन की रहेगी 9 अगस्त और एंड डेट रहेगी 11। टाइप टू की रहेगी जिसमें आपका रिजल्ट इनकरेक्ट फाइंड हुआ 11 और ये रहेगी 14 को एंड डेट हो जाएगी। बात करें रिजल्ट कमेटी वालों से, अगर मिस्टेक हो गया तो इनकी स्टार्ट डेट रहेगी 10 अगस्त और 12 अगस्त। स्टार्ट डेट का मतलब क्या है, जो पोर्टल वोटल जो होके चलता है। और बात करें कि सर स्कूल वाले कैसे करेंगे, बच्चों को उनकी हेडेक है, उनको ना एक लिंक आ जाएगा जब ये SR रेस करेंगे रीजनल ऑफिस वालों को, एक वेब लिंक आ जाएगा, वहां से वो अपने आप आपके अपलोड कर देंगे मार्क्स। तो सर ये चीज थी बच्चों जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। या तो इंप्रूवमेंट एग्जाम्स दे लो, अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं देने तो सीबीएसई कहते हैं डिस्प्यूट वाली कैटेगरी में आ जाओ। डिस्प्यूट वाली कैटेगरी में कौन से में हो, सब कुछ आपको बता दिया मैंने। बात करें कि सर आप क्या फील करते हैं, आप क्या सजेशन देने जाएंगे। देखो बच्चों, हमारे लिए तो क्या खोया क्या पाया वाली सिचुएशन है, तो मैं तो तुम लोगों को ये बोल के चलूंगा इंप्रूवमेंट एग्जाम जो बच्चे नहीं दे रहे हैं, एक बार स्कूल में बात तो करो, देखो तो सही, क्या पता टाइप टू वाली कैटेगरी में आ ही जाओ। तो छोड़ना नहीं है इस चीज़ को जो सीबीएसई वालों ने आपका ये डिस्प्यूट वाला सिस्टम शुरू करा, आप लोगों की हेल्प के लिए शुरू करा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे जो कह रहे यार हम क्यों दें भाई इंप्रूवमेंट एग्जाम्स, हम तो वैसे ही डिजर्व करते थे सर, हम मेरी इंटरनल असेसमेंट्स देखो, मेरी एवरेज देखो सर, मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये डिस्प्यूट वाली चीज़ शुरू करी है बच्चों। तो पहली चीज़ तो मैं यही बोलने जाऊँगा, आपके लिए क्या खोया क्या पाया वाली सिचुएशन है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो भाई अप्लाई कर देना इस चीज़ में, और आज ही अपने स्कूल वालों के पास चल जाओ, प्रिंसिपल के पास चले जाओ, बात कर लो सारी। और बात करें कि नहीं सर मेरा दिल नहीं मान रहा सर, इंप्रूवमेंट एग्जाम देके ही मानूंगा, तो बच्चों इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए 10 अगस्त को हमारा पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो उसके लिए भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ पिछली वीडियोस में। और एक चीज और बोलनी थी यार, डाउट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो जल्दी इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड भी मैं एक और वीडियो डाउट्स, जिसमें मैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन, ओह माय गॉड, मैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन उठाता नहीं हूं, बट डाउट्स इतने आ रहे हैं कि बच्चों का ना मेरे को देखा नहीं जा रहा, बेचारे बच्चे इधर उधर इधर भटक रहे हैं, तो आपके लिए मैं दोबारा आ रहा हूं इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के डाउट सेशंस लेके। आपका जो YouTube पे कमेंट है उसको फटाफट, अगर किसी ने किया है तो बहुत अच्छी बात है, वो मैं उठा लूंगा, अगर किसी ने नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना क्या डाउट है, क्योंकि अब अगली वीडियो इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के डाउट सेशंस पे ही बन के चलेंगे। तो बच्चों ये थी एक फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन, नॉट हैप्पी विद योर रिजल्ट्स, सीबीएसई हैज गिवन यू टू ऑप्शंस, वेदर टू गो फॉर इंप्रूवमेंट एग्जाम्स और यू कैन गो फॉर डिस्प्यूट वाला थिंग, ठीक है। तो बच्चों अब यही है जो सिचुएशन है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, एडवाइस मैंने आपको बता दिया कैसे आपको करके चलना है, बाकी डिसीजन पेरेंट्स से डिस्कस करो, गार्जियन से डिस्कस करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक अच्छा डिसीजन पे आप पहुंच जाओगे। तो ठीक है बच्चों, कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, हवा हवा में बातें नहीं जैसे दूसरे करते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो आएगी वो आपको शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल में मिलती रहेगी। तो बच्चों और इन्फॉर्मेशन और हमारे साथ रेगुलर बने रहने के लिए आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके चलना, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कन्फ्यूजन में हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना, दैट मीन्स एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके चलना। एंड अगर आपको और अच्छे से मेरे से कांटेक्ट करना है कि सर पर्सनली समझाइए, सो बच्चों आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करके चल सकते हैं, उसके लिए बच्चों आपको ज्वाइन बटन ज़रूर दबाना पड़ेगा, तभी हम पर्सनली और अच्छे से इस पे कॉन्वर्सेशन करके चल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।